एंड बिग मैक जो कि उसकी कॉस्ट जो पड़े हैं जस्ट आर 58 नॉट रुपीज, इट्स जोलो की 58 जोलो की, विच मीन्स इट कॉस्ट अराउंड 1000। भैया मजाक नहीं है, बहुत महंगा है। दिस इज हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग पोलैंड। Here it comes, the monster, viciously. I smile and I'm gonna eat it. Wow. मेरा फिर भी ना 6 to 7 months के बाद है ना मेडिकल खाया मैं। वो भी ढंग का। वो भी अच्छा खासा क्योंकि इंडिया में तो ऐसा टेस्ट मिला ही नहीं हमें। तुमने पोलैंड बाहर आ फिर? बारिश फिर गया, बारिश का पानी फिर गया। तो ना तो हम कहीं जा पा रहे हैं और ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं सिवाय मैगजी में बैठे रहने के और खाते रहने के। हम सब सोच रहे थे कि काश पानी आ जाए, सब में पानी आ ही गया है। तो बारिश हो रही काफ़ी ज़्यादा और हम यहाँ पर फंसे हुए। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। क्या ये बारिश रुकेगी, क्या हम घूम पाएंगे, ये जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम हैं ओल्ड टाउन, वासो ओल्ड टाउन इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी खास बात जो है ना आर्किटेक्ट, मतलब जिस तरह से इन्होंने बिल्डिंग्स को बनाया है तभी इसको ओल्ड टाउन नाम दिया है। परफेक्ट लोकेशन और प्लेस टू विजिट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चर। ओह मैन, और भी सबसे अच्छी बात कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सिटी में नहीं किसी हम के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे हम सिटी में ना होके कैपिटल में ना होके हम किसी आउटर एरिया में हैं। क्या तुम लग सिटी के साइड में हाँ, ठंड और हवा ऐसी है कि बस पूछो ही मत, बट वी आर लविंग इट एंड यूटिलाइजिंग आवर टाइम एंड मनी। दिस इज हाउ वी एक्सप्लोर द थिंग्स। We'll be right back.
बारिश हो रही है कुंदन, सडनली बारिश आ रही है। वेदर का हम कुछ कह नहीं सकते, 10 मिनट बाद बारिश तो 10 मिनट बाद धूप, कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। अभी फुल सुबह धूप थी, ठंडी हवा चलने लगी, बारिश आ गई तो आंधी तूफान आ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। दिस इज हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग, बारिश, धूप और जगह। Such a nice experience we are having right now.